हेलो एवरीवन, आज हम सेवन्थ क्लास की राजनीतिक विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन दो का अध्याय चार लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। ये है अध्याय चार, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना। अब इसमें यहाँ पर नीचे लिखी चित्रकथा के आधार पर कुछ सवालों के उत्तर दो, ये लिख रखा है। तो यहाँ पर एक चित्रकथा दिखाई गई है, जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं। इसमें ये लड़की है और ये अपने पिताजी से आपस में दोनों जो है वो बात कर रहे हैं। तो अब ये लड़की अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं पास हो गई, अब मैं आगे पढ़ने के लिए शहर जाऊंगी, आप भेजेंगे ना पिताजी? इस बात पर इसके पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटी, गांव की बात थी तो मैंने पढ़ा दिया, अब तो अपनी माँ के काम में हाथ बटाओ। अब इस बात पर यहाँ पर ये एक और इनका पड़ोसी है, अब इसकी बात सुनकर ये कहता है कि भैया, उसकी पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ने दो ना, और फिर शहर कोई ज़्यादा दूर तो भी तो नहीं है, यानी फिर शहर कोई ज़्यादा दूर भी तो नहीं है। फिर अब उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं भैया, पहले से ही गांव वालों से बुराई ली है। अब लंबी सांस लेकर इस लड़की के पिताजी जो हैं वो कहते हैं, अब तो राम सुमन, कोई ठीक लड़का हो तो बताओ, जवान लड़की घर बैठी है, कोई अच्छा खाता पीता घर मिल जाए तो इसके हाथ पीले कर दूं। अब फिर यहाँ पर ये रामसुमन कहता है, अभी ठहरो भैया, उसे पढ़ने दो, और अभी उम्र ही क्या हुई है, बेचारी 14 वर्ष की तो है। इस बात पर फिर जो है इस लड़की के पिताजी कहते कि रामसुमन, तुम नहीं समझते, 14 हो या 4 आखिर पीले हाथ तो करने ही हैं, और फिर मैं आगे पढ़ा लिखा दूंगा और तो और नौकरी भी लगा दूं तो भी आखिर पराए घर तो इसे जाना ही है ना। इस बात पर ये रामसुमन कहता है, लेकिन भैया इतनी जल्दी क्यों, बेचारी का जीवन बर्बाद करते हो। इस बात पर इसके पिताजी कहते हैं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं रामसुमन, लड़की की पढ़ाई पर खर्च करना तो मूर्खता है, अगर मुझे खर्च करना ही है, पढ़ाना ही है, तो मैं अपने बेटे लालू को पढ़ाऊंगा, आखिर वही तो काम आएगा। अब यहाँ पर इनकी ये चित्रकथा पूरी हो गई है। अब यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ है कि क्या पिताजी अपने बेटे और बेटी में भेदभाव कर रहे थे, कैसे, तो बताओ बच्चों। हाँ, पिताजी जो है बेटी को पराया धन मानते हैं और कहते हैं कि एक दिन उसे इस घर से जाना है। आगे क्वेश्चन है कि पिताजी अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे, तो इसका उत्तर आएगा, क्योंकि पिताजी समझते हैं, यहाँ समझते लिख देना, ठीक है, पिताजी समझते हैं कि बेटी पराया धन होती है, अगर उसे पढ़ा लिखा कर नौकरी भी लगा दूं तो भी आखिर उसे पराए घर ही जाना है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि तुम किसके विचारों से सहमत हो, पिताजी या रामसुमन के, और क्यों, तो बताओ बच्चों। किसके विचारों से सहमत है, रामसुमन के, तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं रामसुमन के विचारों से सहमत हूँ, क्योंकि अगर बेटी पढ़ती है तो दो घरों को रोशन करती है, बेटी का भी देश की तरक्की में योगदान होता है। अब आगे यहाँ पर नीचे एक और चित्रकथा है बच्चों।
नीचे लिखी चित्रकथा के आधार पर कुछ सवालों के उत्तर दो। तो अब यहाँ पर देखिए, ये पति पत्नी जो है वो दिखाए गए हैं यहाँ। अब ये पत्नी कहती है अपने पति से, अजी सुनो, अभी जूते उतारो, जरा बाजार से सब्जी तो ला दो। अब इसके पति कहते हैं, मुझे आए देर नहीं हुई, पैर भी नहीं टिकाए कि कहने लगी सब्जी ला दो। इस बात पर फिर कहती है ये कि अजी मैं काम कर रही हूँ, आप तैयार भी हो, सब्जी ला दो तो कौन से दुबले हो जाओगे। अब इस बात पर इसका पति कहता है कि जुबान चलाती है, कमा कर मैं लाता हूँ, तुम सब्जी भी नहीं ला सकती हो, आखिर तुम दिन भर करती क्या हो। अब इस बात पर यहाँ पर जो है ये कहती है कि हाँ हाँ मैं तो झूला झूलती हूँ, दिन भर सोती हूँ, पानी तो जैसे तुम भरते हो, खाना तो जैसे तुम ही बनाते हो। अब इस बात पर इसका पति कहता है, चार रोटी क्या पकाती हो, मुझ पर रोग जमाती हो, अगर मैं कमा कर ना लाऊं तो भूखे मरोगे सब के सब। अब इस बात पर फिर ये पत्नी कहती है, मैं क्यों भूखी मरने लगी, खुद कमा कर खिला सकती हूँ सबको। अब इस बात पर इसका पति कहता है, हाँ हाँ तो जाओ कमाओ, मैं भी तो देखूं कैसे कमाती हो। इस बात पर इसकी पत्नी कहती है, देखो जी झगड़ा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, जितना काम मैं करती हूँ, खाना पकाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, अगर इतने कामों के लिए तुम कोई नौकर रखोगे तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब इसका पति जो है वो कहता है कि यही कोई 1,000। फिर इसकी पत्नी कहती है, तो बोलो कम से कम 1,000 रुपये मेरी तनख्वाह बराबर हुई कि नहीं। अब यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि क्या पति अपनी पत्नी के घरेलू काम को कोई मूल्य देता था, नहीं। बातचीत में पति और पत्नी दोनों अपने तर्क देते हैं, तुम किससे सहमत हो, क्यों। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मैं पत्नी के तर्क से सहमत हूँ, क्योंकि वह जल्दी उठती है और लेट सोती है तथा सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। अब यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा इसने कि अपने माता पिता के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के कार्यों की एक समय तालिका बनाओ। तो ये समय तालिका आपको बनानी है बच्चों, मैंने यहाँ सिर्फ आपको बता रखा है कि किस तरह से बनानी है, आप खुद अपने मम्मी पापा के कार्य के अकॉर्डिंग जो है तालिका बनाइए। यहाँ पर इस तरफ माता के कार्य लिखने हैं, इस तरफ पिता के कार्य, और कितने बजे ये कार्य करते हैं। जैसे सुबह उठना, सुबह उठना कितने बजे, मान लो 4:30 पर जैसे उठते हैं, उठती है माता। पिता कितने बजे उठते हैं, 5:30 पर। अब जैसे चाय बनाना, पानी भरना, पशुओं को चारा देना, दूध निकालना, नहाना, खाना पकाना, ये सब काम जितने जितने समय में तुम्हारी मम्मी करती है आपको यहाँ पर लिखना है। और आपके पिता क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे पिता क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर नाश्ता करके काम पर जाते हैं, तो ये समय भी यहाँ पर और आपको लिखना भी है। और अब आगे है कि तुम्हारे माता और पिता की तुलना में कौन सुबह जल्दी उठता है। तो अब इसमें माता जल्दी उठती, तो माता लिखिए। अब आगे यह है कि पूरे दिन में तुम्हारे माता और पिता में से किसके पास आराम करने का या खाली बैठने का ज़्यादा समय होता है, बताओ किसके पास, पिता के पास। तो हम यहाँ लिख देंगे पिता। अपने घर में अपने और अपने भाई बहन या विपरीत लिंग के कामों की सूची बनाओ। क्या इस सूची में ऐसे कोई कार्य हैं जो केवल तुम्हें या केवल तुम्हारे भाई या बहन को करने होते हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है। तो यहाँ अपने कार्य लिखने हैं बच्चों। आप मान लो लड़की हैं, तो इस साइड आपको अपने भाई के कार्य लिखने हैं, और आप मान लो लड़का हैं तो आपको इस साइड अपने बहन के कार्य जो है वो लिखने हैं इस साइड। ठीक, समझ गए।
तो जैसे अपने कार्य में आप लड़के हैं, आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ना है, खेलना है, ये कार्य हो गया आपका। और जैसे आपकी बहन है तो वो झाड़ू पोछा करती है, खाना पकाती है। तो इस तरह से ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ी है कि ये सब आपको खुद ही लिखना है कि आप कौन कौन से कार्य करते हैं। आप मान लो लड़की है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा झाड़ू पोछा करते हैं या खाना पकाती हैं या जैसे कपड़े सुखाती है, कपड़े धोती है। इस तरह से आपको जो भी काम करते हैं यहाँ लिखना है, और आपके भाई का काम आपको यहाँ लिख देना है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसने और कहा था कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है, भाई तुम्हारे भाई या बहन को जो कार्य करने होते हैं उनकी सूची बनानी है, और तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा कि लड़कियां ही खाना बनाती हैं, लड़कियां ही कपड़े धोने का काम करेंगी। इसका कारण यह है क्योंकि समाज के द्वारा तय किया गया है कि कुछ काम जैसे झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, कपड़े धोना आदि ऐसे कार्य हैं जिसे केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, ये काम लड़कों के करने के नहीं होते। ये समाज के द्वारा तय किया गया है बच्चों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लड़के और लड़कियां जो है वो मिलकर नहीं कर सकते हैं। सभी कार्य, जो भी कार्य लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं, और जो कार्य लड़के करते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इस तरह का भेदभाव हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आगे है कि क्या तुम्हारे विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य हैं जो केवल लड़कियां करती हैं और लड़के नहीं, यहाँ लड़के आएगा। तो अगर ऐसे कार्य है तो लिख देना बच्चों आपको यहाँ पर, यानी वैसे लिख दिया है जैसे कि प्रार्थना करते हैं, करती हैं तो लड़कियां प्रार्थना, ज़्यादातर लड़कियां ही प्रार्थना करती हैं। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, डांस वगैरह होता है, तो फिर उसमें लड़कियां ही ज़्यादातर भाग लेती हैं। कक्षा कक्ष में झाड़ू लगाने का कार्य भी कई बार लड़कियां कर देती हैं। तो मैंने वैसे ये कार्य लिख रखे हैं, आप अपने विद्यालय में देखिए लड़कियां जो काम करती है, लड़के नहीं करते, वही आपको यहाँ पर लिखना है। आगे की स्त्री व पुरुष में भेदभाव ना हो इसके लिए संविधान ने हमें कौन सा अधिकार दिया है, तो ये लैंगिक समानता का अधिकार है कि लिंग के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, दोनों जो है वो समान हैं। अब यहाँ है लड़कियों के साथ क्या क्या भेदभाव किए जाते हैं घर पर और स्कूल में, दोनों जो हैं हमें लिखने हैं। घर पर जैसे कि झाड़ू पोछा लगाना है, खाना पकाना, कपड़े धोना जैसे घरेलू कार्य करवाए जाते हैं। लड़कियों को शिक्षा एवं रोजगार के अवसर कम दिए जाते हैं, छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है। और स्कूल में प्रार्थना करवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना, किसी भी प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा में लड़कों को प्राथमिकता देना, ये हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन कि अगर तुम्हें मौका दिया जाए तो तुम लड़का बनना चाहोगे या लड़की, क्यों, तो ये क्वेश्चन आपको खुद लिखना है बच्चों। अगर आपको मौका मिले तो आप लड़का बनना चाहेंगे या लड़की, और क्यों, ये आपको लिखना है। बस अब ये पार्ट यहीं तक था, ये पार्ट हो गया है खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पार्ट लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।